गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपुन भी लाइफ भारी। 12:30 हो रहे अभी, हम निकल रहे यहाँ से जिस्पा के लिए। जंस्कर लद्दाख राइड जो अपना यहाँ पे आके एंड हो गया था ना, रुक गया था, वो फिर से अभी स्टार्ट होने वाला है आज के दिन से लेके। वैसा आज डेट है 22 जून 2023। तो फाइनली यार फिर से स्टार्ट हो गया है। बाकी की जो भी कहानी है ना वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा। बस मुझे ये दिखाना है आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, पांडाज ड्रीम होम स्टे, यहाँ पे मैं पिछले 12 दिन से रुका हुआ हूँ। और यहाँ पे रुक के यार नेचर के साथ में बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो गया था। ये सब दिन भी बहुत मिस करूँगा। बाकी निकलेंगे तभी तो कहीं पर पहुँचेंगे, वही बात है ना। तो आज हम निकल रहे जंस्कार के लिए। बाकी बगेरा को नीचे जो है ना वो रेडी करना है, लगेज अपना नीचे जा चुका है, बस बगीरा को अपने लोड करना है और यहाँ से निकलना है। तो ये देखो जी, ये अपना बगीरा पिछले 12 दिनों से यहीं पे आराम कर रहा है, पर अभी उसका दौड़ने का टाइम आ गया है। अभी अच्छा खासा वाला ऑफरोडिंग अपने बगीरा को करना है। बाकी मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मेरे कुछ दोस्तों के कारण मैं यहाँ पर रुका था, क्योंकि सब कुछ तो बनता, जंस्कार बनता, हर एक हाई पासिस बनते, इस वजह से मैं ना निकल पड़ा था। फिर मेरे घर से भी फ़ोन आया कि अरे रुक जाना कहीं पे, कुछ दिन में ओपन तो हो जाएगा ना। फिर मेरे दोस्तों का भी फ़ोन आया, तो फैमिली का, दोस्तों का, इन लोग सबका सुन के है ना मैं जो पांडा ड्रीम होम स्टे वहाँ पर रुक गया था पिछले 12 दिनों से। और अब टाइम आ गया है जी जंस्कार करने का। और सबसे ख़ास बात अगर बताऊँ ना, तो आज हमको निकलना था 22 जून को, और 21 जून को है ना, कल मैंने केलोंग का जो कंट्रोल रूम का नंबर है वहाँ पे फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि टू व्हीलर के लिए भी ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे रुक गया और बहुत ही अच्छा हो गया कि खुल भी गया। बाकी मेरे साथ में जो पार्टनर है, राइडिंग पार्टनर, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। ये है जी लकी पाजी, इनको आपने देखा होगा विंटर कश्मीर राइड पे। और ये है जी सनी, इंडियन रॉयल ट्रैवलर, इनको भी आपने देखा होगा विंटर कश्मीर राइड पे। बाकी मैं जो हूँ वो राइड करने वाला हूँ, और इनके लिए हो गया रोड ट्रिप, क्योंकि ये आपका क्या है, हमारा बैकअप व्हीकल है। बोलेरो नियो, नियो ये कार में इन लोग दोनों आने वाले हैं, और मैं अपने बगीरा पे। तो ऐसा कुछ अपना राइड होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जो छोड़ के गया था ना उसको बस पूरा करने के लिए आपका भाई निकल पड़ा है, तो बहुत सारा प्यार आपका चाहिए, सपोर्ट बनाए रखना। बाकी बस लगेज जो है वो लोड करना बगीरा के ऊपर और यहाँ से निकलना है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम साई राम। ये जिप्सी भी अपना ही है जो ऊपर अपना होम स्टे है। चलो भाई बड़े दिनों के बाद में, अरे ये कहाँ पे अटक गया, नहीं वो लूज हो गया ये, तो कोई बात नहीं उसको आगे टाइट कर दूंगा। चलो सोनू भाई बाय 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 बाय। वहाँ से भी एंट्री है होम स्टे के लिए, और यहाँ से भी है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पांडास ड्रीम होम स्टे। बाकी पूरा अभी पहाड़ नीचे उतरना है, ये पूरा पहाड़ों पे ऊपर। जब मैं यहाँ पे आया था ना वो टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि यार मेरा मूड ही नहीं था। क्या करेंगे यार, सब कुछ बंद था, ये था, जो करने निकले थे वो कर नहीं पाया था, तो उस वजह से मूड ठीक नहीं था। तो मैं आने के टाइम पे यहाँ पे ब्लॉग नहीं किया था, पर देखो जी जाने के टाइम पे आपको बता रहा हूँ। पूरे पहाड़ों वाला रूट है जी। ये रहा जी अपना बुलेरो नियो। ओए होए, ए ए ए। 3-4 दिन पहले बगीरा को मैं नीचे लेके गया था, और ऑयल जो है वो चेंज करवा लिया, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो है वो अपने बगीरा में डलवा दिया है, और एयर फिल्टर जो है ना वो मैंने साफ़ करके लिया है, और ब्रेक पैड भी मुझे चेंज करना था। वैसे मेरे पास है 2 ब्रेक पैड है इसका पड़ा हुआ आगे का, जो आगे ब्रेक पैड लगा हुआ है ना जो मुंबई से निकलने के टाइम पर लगाया था वो अभी भी ठीक है, इतना घसा हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया। पर आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने पास है तो चेंज कर सकते हैं। बगीरा का हॉर्न और ऑटो की तरह क्यों बज रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो ये जो रास्ता जा रहा है ना सीधा, ये ऊपर जाएगा मनाली माल रोड की ओर। ये देखो जी यहाँ पे रिवर, और ये यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो जाएगा जी जिस्पा की ओर, जो कि हमको वहीं पे जाना है, फिर से उसी रास्ते पे जहाँ से हम पहले भी निकल पड़े तो रिटर्न आ गए, पर ये टाइम करके आएंगे। मनाली से निकले हुए 22 किलोमीटर का राइड हो गया। अभी यहाँ से अटल टनल जो है वो कुछ 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगा। जंस्कार लद्दाख राइड पे निकले हुए मुंबई से लेके अब तक मुझे 25 दिन हो गए, और मैं लद्दाख घूम के आ चुका हूँ और फिर से लद्दाख जा रहा हूँ।
मतलब और कितने दिन में घूमूंगा देखो, 10-15 दिन तो शायद से और घूम लूंगा। बाप रे, ये पहला मेरा राइड ऐसा है जो 1 महीने के ऊपर होने वाला है। अब तक जितने भी राइड हुए हैं वो 20 दिन 22 दिन ऐसे हुए, और ये पहला ही है बॉस। पार कर देंगे 1 महीना अपन। वो सामने का नज़ारा देखो जी, रिवर बहते हुए। थोड़ा सा और बारिश हो जाएगा ना तो यार ये पूरा जगह पानी से भरा हुआ रहेगा। अभी इतना बारिश तो यहाँ पे हुआ नहीं, मैं पिछले 10-12 दिन से हूँ ना, इतना बारिश नहीं। अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गया तो होता है, बाकी तो धूप ही निकला हुआ इतने दिनों से। मौसम तो बहुत क्लियर है, धूप निकला हुआ अच्छा सा। इस वजह से जो है ना वो जंस्कार वाला जो रूट है शिंकुला वाला वो ओपन हो गया। अगर यही मौसम अगर कुछ टाइम और दिन खराब हो जाता तो शायद मुझे नहीं लगता कि शिंकुला भी इतने जल्दी ओपन हो जाता। यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ और आपको ना सामने का व्यू दिखाता हूँ, एकदम तगड़ा वाला। ये देखो जी, ओए होए होए, नेक्स्ट लेवल बॉस, नेक्स्ट लेवल। बस ऐसे ही प्यारे प्यारे नज़ारे आपको और दिखाऊंगा। बस झंझकार वाले रूट पे आपके भाई को ऐसा जाने दो, बस एक बार आपका भाई गया ना वहाँ पे, एकदम तगड़ा तगड़ा वाला ब्लॉग बनाऊंगा। देखो अटल टनल रोहतांग, देखो ये टनल में मैं इसी महीने में 3री बार आ रहा हूँ। जब पहली बार आया था तब बगीरा के साथ आया था, और सेकेंड टाइम जब आया था वो मैं कार में आया था। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसे ही पक चुके थे तो रात का डिनर करके हम सोचे चलो एक अटल टनल का राउंड लगा गया है। तो हम सनी पाजी लकी भाई हम लोग सब आए थे, और 3री बार फिर से बगीरा के साथ, तो जून के महीने में 3री बार। पहली बार जब अटल टनल में एंट्री किया था ना, वो टाइम की खुशी जो थी ना वो एकदम अलग थी। क्योंकि कोई भी जगह पे हम जब पहली बार जाते हैं ना वो खुशी अलग ही होता है, पर अभी क्या हर साल का आना जाना होता है तो इतना कुछ नहीं लगता। यहाँ पे चल रहा है जी बोटिंग। ये देखो एक छोटा सा झील बनाया हुआ है वहाँ पे जो है, वो देखो बोटिंग चल रही है। ओ हो, ये देखो ये देखो, ये क्या है ना, पहाड़ों का जो स्नो है ना वो पिघल के पूरा उसका पानी नीचे आ रहा है। मैं 10-15 दिन पहले यहाँ पे आया था ना, वो टाइम पे पहाड़ों पे जो है ना वो स्नो अच्छा खासा था, पर अभी एक 10-15 दिन के गैप के बाद की अगर बात करूँ तो स्नो जो है वो कुछ अच्छा ही पिघल चुका है, क्योंकि इतने दिनों से धूप अच्छा निकल रहा था। टांडी यहाँ से 4 किलोमीटर है, और ये देखो जी रोड के साथ साथ रिवर का व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हो जी राइड करते करते। जैसे कि भाइयों मैंने आपको अभी अभी जस्ट एक व्यू दिखाया था जो कि बहुत ही बढ़िया था। ये ऐसा रोड जा रहा है और रोड के लेफ्ट हैंड साइड में ही एक रिवर भी बह रही है, तो ये जो नज़ारा था ना ये इतना प्यारा था, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने सीधा वहीं पे ही अपना बगीरा जो है वो स्टॉप किया। तो पीछे से अपना जो है ना वो कार भी आ गया, लकी पाजी को भी मैंने रुका दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे सीन क्या हो रहा है ना, ये देखो इतनी बढ़िया जगह इनको भी लगी है कि यहाँ पे जो है वो मैगी बन रहा है हम तीनों के लिए। और ये आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको आने के टाइम पे भी दिखाया था, बहुत ही बढ़िया सा व्यू है यार। अगर ऐसे लोकेशन पे यार रुक के कुकिंग नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे बॉस। यही तो मज़ा है ट्रैवल का, यही तो हमको कुछ पल जो होते हैं ज़िंदगी के जो हम जीने के लिए निकलते हैं वो अच्छे से जीने हैं, जो कि हमारा तो बहुत ही सही चल रहा है। ओ नमक 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 एकदम बढ़िया चाहिए। ये देखो जी बोलो, जरा नमकीन होनी चाहिए, हाय हाय हाय, मीठी भी होनी चाहिए बॉस, मीठी इसके बाद होगी ना, पहले मैगी फिर चाय। ये देखो जी लकी पाजी ने यार बहुत ही बढ़िया यार काम करके रखा, यहाँ पे पूरा किचन का सेट है, देखो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये देखो जी सब मसाले वगैरह सब लाइन से लगे हुए। तो मैगी अपनी हो रही है, मैगी बन जाएगी फिर थोड़ा मैगी खाएंगे। मैगी खाते ना आपको दिखाऊंगा मैं जरूर, क्योंकि पहाड़ में मैगी खाने का जो आनंद है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो ये अपना मैगी भाइयों बन के हो गया जी रेडी। एक बात है, घर पे मैगी खाने का मज़ा और पहाड़ों में मैगी खाने का जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। ओए मैं तो कह रहा हूँ ना लकी बाजी, एक धंधा स्टार्ट कर देते आगे जाके। देखो पहाड़ों पे ऐसे कोई रूट आते हैं ना जहाँ पे खाने पीने का कुछ भी जगह नहीं होता है, वहाँ पे हम मैगी बनाएंगे और 100 या 150 रुपये प्लेट बेचेंगे, है ना। अभी क्या ना ये लंबा ट्रैवल करते करते पैसे खत्म होंगे, अभी कमाएंगे आगे जाके। आइडिया वैसा बहुत अच्छा है।
इस प्यार को व्यू को कहते हैं अलविदा, वैसे अलविदा तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ किलोमीटर तक तो ये रिवर जो है वो रोड के साथ साथ ही चलने वाली है। वैसा इरादा तो था हमारा, चाय भी पियेंगे, पर पानी जो है ना वो कम पड़ा, इस वजह से हम निकल पड़े। हमने क्या किया था ना, मनाली से निकलने के टाइम पे 3 पानी का बोतल भर के लिया था, वो तीनों का तीनों लग गया कुछ मैगी बनाने में और कुछ पानी हमको पीने में। तो कोई बात नहीं, अभी जहाँ पे हम स्टे करेंगे जिसपा में, वहाँ पे यार सबसे पहले तो चाय की चुस्की लेनी है क्योंकि मौसम जो है ना अभी बहुत ही बढ़िया हो गया, एकदम ठंड भी हल्की हल्की सी लगना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हो रहा है संगम, एक यहाँ से रिवर आई है, एक हम जो जहाँ पे रुके थे मैगी बनाया वहाँ से एक रिवर आके दोनों रिवर मिल के संगम बन चुका है। तांडी ब्रिज यहाँ से हमको लेना है जी राइट, क्योंकि लेफ्ट लेने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे। केलोंग यहाँ से 7 किलोमीटर और दारचा है 36 किलोमीटर, पर दारचा हमको कल जाना है, कल चेक पोस्ट दारचा का हम क्रॉस करेंगे शिंकुला के लिए। ओए होए 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 होए, क्या बात है, वो देखो जी स्नो माउंटेन्स, पूरे ऊपर का जो पहाड़ है वो पूरे स्नो से ढके हुए हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ पे। केलोंग इन होटल, यही होटल में हम रुके थे जब हम जंस्कार के लिए निकले थे कुछ दिन पहला, पर तब बंद था। जब भी जो भी भाई सीधा इस वीडियो के साथ में हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको सबसे पहले तो बताया जाए, कुछ दिन पहला मैं इसी रूट से निकला था जंस्कार करने के लिए, पर शिंकुला का जो रूट है वो बंद था, उस कारण जो है फिर मैं ले जाता हूँ और फिर ले में भी कुछ जगह पे स्नोफॉल होने के कारण कुछ जगह जो बंद रहता है जो कि मुझे घूमना होता है, तो इस वजह से मैं जो है वो निकल के सीधा मनाली में आके दोस्त के प्रॉपर्टी पे 10 दिन स्टे करने के बाद में फिर से अभी निकला हूँ जी जंस्कार करने के लिए, क्योंकि अभी जो जंस्कार का रूट है शिंकुला वाला वो ओपन हो चुका है। कल के दिन ही मैंने फ़ोन करके बात कर लिया था, तो बस तो हार नहीं मानना है, निकल पड़ा हूँ फिर से करने के लिए, करके ही मानेंगे हम। क्या फ्लो है पानी का, एकदम तगड़ा तगड़ा। 74 किलोमीटर का अब तक राइड हो गया केलोंग तक मनाली से। 99 रुपीस पेट्रोल का रेट है जी 1 लीटर, यहाँ पे टंकी फुल कर देना पहला, और वही जो है ना जेरी कैन भी साथ ही में भर देना, मतलब एक ही पंप में तीनों टंकी फुल। इसको ना कभी भी साफ करके लगाना होता, मिट्टी गया तो भैया ने थोड़ा पेट्रोल बाहर गिरा दिया, पर कोई नहीं चलता यार, वो सब चीज़ें होती रहती है। थैंक यू भैया। कितना बैठा है? 14 लीटर टोटल अपने बगीरा को जेरी कैन और टंकी फुल करके 1400 रुपये का पेट्रोल डन हो गया। अभी जो पेट्रोल पंप पे मैं रुका था वो था केलोंग का पेट्रोल पंप जो कि आखिरी है। बगीरा को टोटल जेरी कैन और उसका टंकी मिला के 14 लीटर का पेट्रोल जो है वो लग चुका है। 12:30-1 बजे हम कुछ मनाली से निकले थे प्रॉपर्टी से, और अभी 6 बंदे के बाद 10 मिनट कम है, और इतने घंटों में हम लोग ने बस 78 किलोमीटर का अब तक राइड किया है। अभी इतना आराम आराम से हम इसके लिए चल रहे थे क्योंकि जिसपा जो है वो बस 100 किलोमीटर के आसपास ही था, तो इसके लिए हम जो है वो ब्रेक ले लेके आ गए। वैसा मनाली से हम जैसा निकले तो 15-20 किलोमीटर चला के हमने ब्रेक लिया था, वहाँ पे हमने कुलचे छोले खाए थे, तो ऐसा ब्रेक ले लेके आया हूँ मैं। और इतना कम किलोमीटर का राइड रहेगा ना तब ज़्यादा ब्रेक लेंगे तो भी चल जाता है। और वैसा भी पहाड़ों पे जो है वो 7:45-8 बजे कुछ अंधेरा हो जाता है, तब तक जो है वो उजाला रहता है। जिसपा यहाँ से बस 14 किलोमीटर है, बहुत ही पास में हम आ गए। वैसे अभी 6 बज चुके हैं, तो मस्त हो गया आज का राइड यार। और रोड भी कैसा है ना, अच्छा बना हुआ है ना, उस वजह से जो है वो किलोमीटर ऐसे फट फट हो जाते हैं। पहला मैंने सोचा था कि मनाली से जो मैं जिसपा राइड करने वाला हूँ आज, उसका मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि यही सेम रूट मैंने कुछ दिन पहला किया हुआ है। फिर मैंने सोचा अरे यार मैं तो राइड की दोबारा से शुरुआत कर रहा हूँ ना, तो ये तो दिखाना बनता है, और 10-12 दिन का ऑलरेडी गैप हो गया क्योंकि मैं व्लॉग नहीं कर रहा था कुछ, तो मैं बोला गैप भी हो गया है और दोबारा भी राइड अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये तो दिखाना बनता है ना कि एक बार जाके आया हूँ, पर बंद था इस कारण मैं फिर से रुक गया था कहीं एक जगह पे। अभी जब ओपन हो गया है ये खबर जब हम तक बढ़ गई तब हम फिर से निकल पड़े, तो ये दिखाना बनता है। तो फिर मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी बहुत दिनों के बाद में, मोटो व्लॉगिंग करते हुए जी फुल पावर में,
जिसका की ओर निकलते हुए आपका भाई प्रतीक सूर्य फुल पावर टूरिंग लाइफ। अब ये आगे जो कार वाले भाई साहब उन्होंने रोकने के लिए बोला है, भैया ये स्कूटी है ना? ये स्कूटर है भैया, दो मिनट में साइड में लेता हूँ ना, ट्रक आ रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ फिर हम बात करेंगे, वो साइड में मैं नहीं रहूँगा भाई। ये स्कूटर है मैक्सी स्कूटर, यामा का है एरोक्स 155 cc, इसमें R15 V3 का इंजन लगा हुआ है। नहीं नहीं एक्चुअली उन लोग दोनों में झगड़ा हो गया लगता है कि ये स्कूटर है कि बाइक है, तो उन्होंने पूछने के लिए रुका है कि स्कूटर है क्या, मैक्सी स्कूटर बाबा। हाँ ले जा रहे जी, ओके थैंक यू। तो जिसपा में भाइयों हमने स्टे कर लिया है, हम रुके जी नॉर्थ लेजर कैंप्स में, ये अपना रहा बगीरा, और टेंट अगर आपको बताऊँ तो छोटा सा ही है, पर एक खास बात यह है ना ये टेंट में कि अटैच बाथरूम है, जो कि यार हर एक राइडर वही देखता है कि अटैच बाथरूम मिल जाए। ये देखो जी, ये है जी कुछ टेंट का नज़ारा, यहाँ पे लाइट जो है वो लगा जाए, ओ लग गई जी, ये देखो जी, और ये यहाँ पे है अटैच बाथरूम, ये अंदर वॉशरूम। तो ऐसा कुछ टेंट है 800 rupees में। अभी कुछ अलग भी हमारा प्लान है ना, इस वजह से बस ये ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे मैं अकेला सोऊंगा या फिर कोई और एक बंदा भी सो सकता है, वगैरह का हो गया पार्किंग यहाँ पे। बस दिक्कत ये है कि अगर 3-4 लोग अगर यहाँ पे रुक रहे हैं ना, और किसको अर्जेंट लगी हुई है सुबह सुबह, तो आपके लिए खास करके यहाँ पे बना के रखा है जी। ये देखो बाहर नेचर के साथ कनेक्ट यहाँ पे टॉयलेट बना के रखा है, यहाँ पे आप सुबह सुबह बैठ सकते हो। यहाँ पे जो है ना वो टेंट का काम होना बाकी है, यहाँ पे भी कुछ टाइम में इन लोग यहाँ पे एक टेंट खड़ा करेंगे और उसके साथ में अटैच में बाथरूम रहेगा, ऐसा कुछ है। बाकी ये देखो जी अपना जो बुलेरो नियो है लकी पाजी का गाड़ी, उसमें रूफ टॉप टेंट जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि पाजी ने खुद ही मेहनत करके घर पे यार बनाया। कितना टाइम लगा था आपको ये बनाने के लिए? यार ये प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने पुराना है, बहुत R&D करने के बाद, हर चीज देखने के बाद, कौन सी गाड़ी पे कितना वेट होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कलर स्कीम, वाटरप्रूफ, सारी R&D करने के बाद, मतलब इसको 2-2.5 महीने लगे हैं प्रोजेक्ट को, और बहुत सारी R&D करने के बाद हमारा रिजल्ट सामने है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया काम किया। अभी ना मैं ऊपर से आपको जो है वो टेंट दिखाया जाए, यहाँ पे सीढ़ी भी लग चुकी है, वैसा ये जो है ना पूरा फोल्ड हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, 2500 में कुछ मिलेगा आपको ये। ये देखो जी ये जो टेंट है ना ये 2 पर्सन के लिए बना हुआ है, वैसा जो है और भी 4 पर्सन के लिए, 3 पर्सन के लिए भी लकी बाजी काम करने वाले, बहुत ही बढ़िया ये टेंट बनाया हुआ है। वैसा हम लोग है ना बीच में जब रुके हुए थे मनाली में, तो एक जगह पे हम गए थे कैंपिंग करने के लिए, वहाँ पे ट्राई भी किया है मैंने, 1-2 घंटा मस्त आराम से सो भी गया था, बहुत अच्छा बना हुआ है। बस लकी पाजी, हाँ जी सर, ये बता दें हमारे व्यूवर्स को कि इसका टेंट का क्या नाम रखा है आपने? यार कंपनी हमारी AAA एडवेंचर, जिसके अंदर हम हर तरीके का टेंट किसी भी गाड़ी के लिए किसी भी कलर में किसी भी साइज में बना सकते हैं। 2 पर्सन का हो, 3 पर्सन का हो, 4 पर्सन का हो, अभी जैसा कि ये जो आपको दिखा है वो तो मैंने आपको जैसा कहा 2 पर्सन का बना हुआ है, पर आगे जाके 3 पर्सन का, 4 पर्सन का भी काम होने वाला है। अगर किसी भी भाई को अपने गाड़ी के लिए ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी टेंट बनाना है, तो ये यहाँ पे आप लकी पाजी का नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो। बस यही कहूँगा कि बाहर अगर कोई भी आप कंपनी के साथ जाओगे रूफ टॉप टेंट इंस्टॉल करने के लिए, बनाने के लिए, तो आपको जो है उसका प्राइस 1.5 लाख या 1,30,000-1,40,000 हाँ में होगा, क्योंकि दिस इज मेड इन इंडिया। सही बात, 100% मेड इन इंडिया। तो बाकी जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर से भी कोई कोई आ जाता है, बट ठीक है, जो भी आपको अगर कम प्राइस में चाहिए ना, हाफ प्राइस में बोल सकते हैं, तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आज का स्टे जो है वो इन दोनों का शायद से ऊपर हो जाएगा, हम दोनों ऊपर ही सोने वाले हैं, और हम अकेले वो टेंट में रहेंगे। हम अभी आ गए जी अपने टेंट के अंदर। अभी सबसे पहले जो काम बनता है ना वो बनता है कि जो भी अपना आज का फुटेज है, डेटा है, वो पूरा कॉपी करना है और लगे रहना है जी एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, तो आज अगर मैं निकला हूँ ना फिर से राइड पे, तो ये तो बनता है कि यार फटफट एडिट करके है ना व्लॉग जो है वो अपलोड किया जाए। देखो एडिटिंग तो हो जाएगा, पर मुझे एक ही पंगा लग रहा है बस यहाँ पे जो है नेट का, तो नेट का यार बस हो जाना सब सही। तो 23 जून को आप ये व्लॉग देखते रहोगे, 22 जून को हम निकले जी मनाली से। अगर व्लॉग लेट आता है तो कारण उसका एक ही होगा, नेट
इशू। फिर से आपका भाई जो है ना वो जंस्कार करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि पहली बार जो गया था वो कर नहीं पाया था, सेकेंड टाइम हम हार नहीं मानते, निकल पड़े। तो इस बात पे है ना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना जी, जो पहले के अपने ब्लॉग थे और आज का जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और अभी तक किसी भाई ने का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे ना तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो नहीं तो इंस्टा फॉलो करना, टूरिंग लाइफ ये अपना इंस्टा आईडी है। आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे समाप्त कर दे और मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।